नमस्कार, आप देख रहे हैं इस समय खबर 22। कटिहार में दर्दनाक सड़क हादसा, एक ही परिवार के दो महिलाओं सहित तीन लोगों की मौत। कटिहार के NH-31 कोरा थाना क्षेत्र में गोंदवारा के पास ओवरटेक की वजह से हुई हादसे में एक ही परिवार के दो महिलाओं सहित तीन लोगों की मौत हो गई। हादसा गुरुवार को दोपहर 2:30 बजे के करीब हुआ। मृतकों में सदानंद पोद्दार, महिला सरोज पोद्दार, रेणु पोद्दार शामिल हैं, जबकि वाहन चालक गंगाधर पोद्दार गंभीर रूप से घायल हो गया है। मृतक फलका थाना क्षेत्र के धंटेरा गांव के रहने वाले थे और वर्तमान में पूर्णिया के कोटबाड़ी में रहते थे। हादसे के बाद घटना स्थल पर लोगों के भीड़ जुटने से कुछ देर NH-31 पर आवागमन भी प्रभावित रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि ओवरटेक के कारण अनियंत्रित होकर कार पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन पर सवार चारों लोग बुरी तरह वाहन में फंस गए थे और फिर स्थानीय लोगों की मदद से आधे घंटे में गाड़ी का गेट खुला गया। तब तक कार में सवार दो महिलाएं समेत एक पुरुष की मौत हो गई थी। वहीं मौके पर पहुंची कोरा पुलिस ने JCB के माध्यम से काफी जद्दोजहद के बाद कार चालक को बाहर निकाला और कोरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। फिर उसके बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए वहां से रेफर कर दिया। वहीं एक ही परिवार के दो महिला और एक पुरुष को कुल तीन की दर्दनाक मौत से गांव में मातम का आलम है। घटना के बाद मृतक सदानंद पोद्दार के भाई देवानंद पोद्दार की हालत रो रोकर खराब हो रही है। रोते बिलखते देवानंद पोद्दार ने घटना के बाद बताया कि उनके बड़े भाई सदानंद पोद्दार सेवानिवृत्त सेल्टेक्स के पदाधिकारी थे, जबकि उनके एक भाई मादन पोद्दार मर्चेंट नेवी के पद पर हैं। उनकी पत्नी सरोजा पोद्दार की मौत हो गई। उन्हें एक लड़की है, जबकि उनकी पत्नी रेणु पोद्दार की मौत घटनास्थल पर हो गई। उन्होंने बताया कि वह दिल्ली में अधिवक्ता है और उन्हें एक लड़का है। घटना के बाद मतदाता देवानंद पोद्दार ने बताया कि खेत का सर्वे चल रहा था, इसी को देखने के लिए वह सभी पूर्णिया से डूमर आए हुए थे। सर्वे के बाद सभी का खाने पीने का आयोजन गाँव में ही था। वाहन चालक जख्मी गंगाधर पोद्दार उनका छोटा भाई है। सभी तीन भाई और भाभी और उनकी पत्नी रेणु पोद्दार कार से आए हुए थे और वह अपने बाइक से आ रहे थे। उधर क्षेत्र के लोगों का कहना है कि कौन जानता था कि एक साथ हो जाएगा तीन लोगों की मौत। साथ ही उन लोगों का कहना था कि तीनों लोग काफी मिलनसार थे, लोगों के हर सुख दुख में शामिल होते थे। मौत की सूचना के बाद लोगों की घटनास्थल पर भीड़ जुट गई।